देखने वाले भाइयों को मेरे से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दो बहुत ही अच्छे मेल और फीमेल जिनकी उम्र तकरीबन 18-18 महीने है वो आपको दिखा रहे हैं। मेल और फीमेल में क्या डिफरेंट होता है और इसके साथ में आपको सीखने को मिलेगा इस टाइम के ऊपर अप्रैल मार्च में कटिंग का, जो पशु की कटिंग करते हैं उसका क्या महत्व है। यह आप जो पैच देख रहे होगे, ये पैच सर्दी में पशुओं की अच्छी केयर का मतलब डेली एक या दो बार नए नहलाने की वजह से छोटे छोटे कीट क्रिकेट पशुओं की बॉडी में लग जाते हैं और जो कि पशु को बहुत ही ज़्यादा दुखी करते हैं। या आप मार्किंग जो देख रहे हो ये सब इसी बगैर नहलाए जो खाद खुजली पशु की बॉडी पे हो जाती है उसी का एक परिणाम है। तो कटिंग से क्या होता है कि सारे जो वर्म होते हैं बॉडी के सब वो क्लियर हो जाते हैं। भले आपके पशु को दाना कम मिले लेकिन उसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसकी केयर आउटरीच को आउटरी केयर हम बोलते हैं वो बढ़िया है तो आपका जानवर कम दाने में भी राजी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दाना आपने बहुत अच्छा खिला दिया, उसका बैठने की जगह अच्छी नहीं है या उसके 24 घंटे डिस्टर्ब रहता है, बेचारा खुजली करता रहता है, कभी इधर खसता है कभी उधर, और इस टाइम के अंदर पशुओं की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये है कटिंग का महत्व। इस मल्टीपर्पज ये वीडियो हो जाएगी तो अभी ये दोनों ही काफ जो है बहुत रिलैक्स जोन में रहेंगे, यानी कि टोटली रेस्ट पे रहेंगे, किसी प्रकार की बॉडी पे खुजली नहीं होगी और 4 से 5 दिन के बाद ये बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाएंगे। ये जो एक बार एयर रिमूव होने से स्किन जो रेडनेस आती है ये टेम्परेरी होती है। तो अभी आपको बुल के बारे में बताते हैं। जो बुल को यदि ये बोले कि डेयरी फार्म की ये रीढ़ की हड्डी है तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। कई बार डेयरी फार्म पे बहुत बड़ी इंसिडेंट हो जाती है, भैंसों के अंदर बीमारी आ जाती है, लेकिन वहाँ पे आपके पास एक अच्छा पटेगरी का बुल है और आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो, सैकड़ों में आपके पास जानवर है, तो उसके अंदर आपके पास जो अच्छे बुल की फीमेल है 20-30-50-100 जैसा भी आपका लेवल है और भैंस में प्रॉब्लम आ जाए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि एक हैदराबाद में मेरे दोस्त के फार्म पे ब्रुसेलोसिस आ गया था तो उसको किसने बचाया, बुल ने बचाया। बुल ने कैसे बचाया, क्योंकि उसकी जो भी अच्छी अच्छी भैंसें थी वो असम उठाई, तो जो भी अच्छी अच्छी भैंसें थी उनकी जितनी भी फीमेल थी वो सारी वीर, मेरा एक बुल था वीर और वो हैदराबाद गया था, उसकी बेटी थी। अभी वो 3 साल के बाद जो भी प्रोडक्शन पे आ रही है, कोई 15 लीटर, कोई 14 लीटर, कोई 16 लीटर, फर्स्ट 2 दांत 4 दांत हैदराबाद में हो दे रही है। तो भाई बार बार बोलता है कि इन्हीं ने मेरी जो रीफर ने बचा लिया, और रीफर कहाँ से आई, बुल से। यदि बुल अच्छा नहीं होता तो आज वो डेयरी की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता। तो इस तरह हम बुल लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, ये अरबों का होता है, क्योंकि इससे अपनी उम्र के अंदर लाखों फीमेल मेल पैदा होंगे और यदि वो अच्छी पटेगरी की होती है तो हमारे डेयरी डिपार्टमेंट में, डेयरी फार्म में कहीं कहीं बुल का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है। तो वो किसी भी कहीं पे भी जाओ तब बीच जाएगा, अच्छा ही गुणवत्ता वाला जाएगा और अच्छी गुणवत्ता वाला जाएगा तो नो डाउट अच्छी ईफर जो पैदा होगी, वही ईफर आपकी 70-80 हज़ार की लाख की जो फर्ट कावर जोड़ी होती है और वही 8 लाख की भी हो सकती है। वो डिपेंड किसकी होती है, बुल पे करती है। यदि बुल की हम पटेगरी की बात करें तो इसकी मदर का जो रिकॉर्ड है 24 से 25 किलो, और ख़ास बात ये तकरीबन 5 से 6 महीने वो 18+ दूध देती है। फादर की यदि बात करें तो NDDB भी जो बुल खरीदती है और वो पूरे साल का दूध का रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके फादर का जो नाम है वो मैं आपको बता दूँ, 21-10-5 NDDB का बुल है इसका फादर। और जो मैं इसके करेक्टर आप देख रहे हो वी शेप, ये नेचुरली गोल्ड की देन है, सिंगल हड्डी बिल्कुल खड़ा पुट्ठा, स्किन ह्यूमन बॉडी की जैसी स्किन इसके आप देख पा रहे हो, इतनी सॉफ्ट स्किन है। कहीं से भी यदि ब्यूटी की बात करें, ये तो ब्यूटी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अपने आप में 4 चांद लगाने वाली बात हो जाती है। सींग आप देख रहे हो, बहुत ही छोटा सींग इसके अंदर, बस सिर्फ एक उंगली मात्र ही इसमें क्रॉस होती है। और इसकी जब टंग की बात करें तो इसकी लाल जीभ है, जो मैंने बहुत दिन पहले लास्ट ईयर सुर की जयसिंह भाई के फार्म पे डिस्कस किया था, वही लाल जीभ इस बुल की है।
तो ये जो लाल जीभ वाला बुल होता है, इससे एक तो काफ आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। कैसे? जैसे ही किसी भैंस के ऊपर इससे क्रॉसिंग करवाया हमने या इसका सीमन रखवाया, और यदि वो फीमेल रेड टंकी आ जाती है तो यहां पे आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। उसी दिन डिसाइड हो जाएगा अक्की कटड़ी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन देगी, क्योंकि उसके करेक्टर बुल पे आ गए। ये सबसे अच्छा सिम्टम है। शेप इसके आप देख रहे हो, आगे से बिल्कुल नीचा पतली गर्दन, 18 महीने के हिसाब से लेंथ और हाइट करें तो बहुत ही अच्छी, एक एवरेज केयर में बहुत अच्छी चीज हो जाती है। नाक से पूंछ तक, पूंछ देखोगे तो बहुत स्मूथ इसकी जो पूंछ है आप देख रहे हो, और टेस्टिकल देखो आप, इसका जो टेस्टिकल की जो बनावट है ये बिल्कुल दोनों पार्ट इक्वल, ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए, कोई छोटा बड़ा इसमें नहीं है और बिल्कुल बराबर शेप में है। तो इसी से भैंस का जो ऑर्डर है वो डिपेंड करता है। बहुत बड़ी पूंछ, तो ये ब्यूटी प्लस मिल्क प्रोडक्शन, ऐसा बुल यदि हम तैयार करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि हर एक दूसरे तीसरे घर में हमारे पास 20-22 किलो की भैंस होगी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम सारी कहाँ होती है? बुल से होती है। गांव के अंदर एक बुल छोड़ दिया जाता है और उसी से इन ब्रीडिंग कराते कराते सब ब्रीड को, आज भी जो हम बात ब्रीडिंग के और पढ़े लिखे किसानों करती है तो वो किसी गांव में सिर्फ 5 यार्ड भी मिलते हैं, 95% लोगों पे आज भी उसका असर नहीं हो पाता। ये तो था बुल का। बात करें हीफर की, तो ये तकरीबन 18 से 19 महीने कटड़ी है। गर्दन आप देख रहे हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसकी। बुल ईफर से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ईफर का तो क्या है, एक साल के बाद सपोज कि आपने इसको अभी 2-3 महीने में कंसीव हो जाएगी, और उसके बाद एक साल के बाद खुदा ने खास है ये 12-13 लीटर पे कम प्रोडक्शन पे सपोज किया रह जाती तो हम इसको निकाल देंगे। हमारा जो अपना ये जितना हम इसके ऊपर खर्च करेंगे स्पेंड करेंगे वो बराबर कर जाएगी, तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता ईफर पे। लेकिन बुल पे मोर टाइम लॉस होता है। उसमें क्या होता है, आज उसको तैयार करेंगे 6 महीने बाद 1 साल के बाद वो सर्विस देगा, और सर्विस के बाद 10 महीने बाद फीमेल पैदा होती है, फिर उसको 2.5 साल संभालते हैं, 3 से 4 साल के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो सोने पे सुहागा है। यदि वहां पर रिजल्ट कहीं किसी कारणवश या कोई ब्रीड के अंदर कोई चूक है नेगेटिव आता है तो फिर किसान के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो बहुत बड़ा लॉस का सिस्टम है। तो ये आप ईफर देख पा रहे हो 18 महीने के हिसाब से, जो भाई बोलते हैं कि 2 साल की हमारी प्रेगनेंट नहीं होती, 3 साल की नहीं होती, तो ये अभी 18 महीने की जस्ट है, और किसी भी टाइम आपको सिमन ये लगवा सकते हो। इसकी भी आप देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट, इसका जो पुट्ठा है चमड़ी की बात करें तो बहुत इसकी सॉफ्ट चमड़ी है, बिल्कुल स्ट्रेट, और स्वभाव की तो बहुत ही शील है। इसके आप ये रिंकल देखोगे तो रिंकल की जो बनावट होती है इसी से अडर का है। देखो रिंकल का, रिंकल से रिंकल का कितना स्पेसिस है आप देख पा रहे हो, अभी से 6 इंच का स्पेसिस अगले में और पिछले में 2.5 से 3 इंच का। तो ये इससे क्या साबित होता है कि इसका जो अडर है वो काफ़ी डेवलप यानी कि विकसित होगा। तो ईफर के अंदर हम यही देखते हैं, प्लस इसकी जो मदर का रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 22-23 किलो के आसपास रहा है, और 1470 बुल जो हरविलास भाई का जो बुल है अम्बाड़ा से, वो किसी का इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, मोस्टली लोग उसको जानते हैं, और उसकी जो फीमेल का जो यही रुतबा आता है और अडर भी उसका काफ़ी पीछे का आता है। तो आप यदि इस तरतीब वाइज और इस तरह मैनेजमेंट के साथ पशुओं को संभालोगे तो किसी भी एंगल से आपके लिए डेयरी फार्म घाटे का सौदा नहीं है। धन्यवाद। इसी के साथ आप कमेंट के माध्यम से बताना कैसे आपको मेरा ईफर और मेरा जो बुल है कैसे लगे। धन्यवाद।